शांजे की माँ शांजे को वार्निंग दे देती है और कहती है कि तुम्हारा बाप तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर रहा है और ये बात उसने फाइनल कर दी है, इसलिए तुम्हारे अंदर अब किसी बात में मदाखलत नहीं चलने वाली है। जो वो कह रहा है तुम्हें वही करना होगा और इसके अलावा अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने शानी की माँ से साफ साफ बात कर दी है और वो सजीला को ही उस घर में लेके आना चाहते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने दिलो दिमाग से ये बातें निकाल दो, वरना तुम्हारे लिए बेहद मुश्किल हो सकती है। इस पर आप देखेंगे कि शांजे गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप जो सोच रही हैं बिल्कुल गलत सोच रही हैं और ये बात कभी मत सोचिएगा कि ऐसा कभी हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने जो बात फाइनल कर दी है, समझे, वो बात फाइनल हो चुकी है। इसलिए आप भी अपने हामन से कहें कि उसे मना कर दे, वो लोग इस घर में ना आए, वरना मैं बाबा से खुद बात कर लेती हूँ। मुझे खुद भी बात करना अच्छे तरीके से आता है। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि मेरे इन कामों में मुदाखलत मत करें, लेकिन बार बार आप लोग उनकी ज़िंदगी में शामिल हो रहे हैं और उनको घर जाकर जलील कर रहे हैं। मैं शानी के घर वालों की हरगिज़ बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये बात मैंने पहले भी आपसे की थी, शायद आपको समझ नहीं आई है। उसकी माँ एक बहुत सादा औरत है, लेकिन आप उसकी सादगी का नजायज फ़ायदा उठा रहे हैं और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये अलहदा बात है कि वो आगे से खामोश हो जाती हैं और आपकी इज्जत कर देती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे, शानी को इस चीज़ का एहसास है कि उसने जो किया है अपनी माँ की मर्ज़ी के खिलाफ किया, क्योंकि उसकी माँ का बिल्कुल भी दिल नहीं है कि सजीला इस घर में आए। और हकीकत भी कुछ इस तरह से ही है। इस तरह की ज़िद्दी और मगरूर लड़की को कैसे भी कोई पसंद कर सकता है। दूसरी तरफ शांजे का रो रो कर बुरा हाल है। उससे उसकी माँ की ये हालत नहीं देखी जा रही। वो बार बार आती है और कहती है कि तुम क्यों नहीं इस जंगल से बाहर निकल आती, क्यों तुम अपने आप को आज़ाद नहीं कर देती हो, क्यों तुम उस इंसान के पीछे भाग रही हो जो तुम्हें देखता तक नहीं, सोचता तक नहीं। जिस पर आप देखेंगे कि शांजे कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे अभी भी इस बात का पूरा पूरा यकीन है। लेकिन शानी तो अपनी ही तैयारियों में मगन है। आप देखेंगे कि अब शानी की माँ जो है वो कोई खेल रचाएगी और कहेगी शानी से कि नहीं, अब जो मैं कहूँगी तुम्हें वही करना है, जो मैं कहूँ कहने वाली हूँ, यानी कि शांजे के साथ ही तुम्हारी शादी होगी और सजीला को अपने दिल से निकाल दो। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फड्डा पड़ने वाला है, क्योंकि अब शानी की और उसकी माँ की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने वाली है। दूसरी तरफ नादिया भी आएगी और नादिया भी शानी से यही कहेगी और कहेगी कि तुम नहीं जानते हो कि उसकी वजह से हमारे हालात कैसे बदले और उसने ही हम सबको इस काबिल किया है कि हम अपनी ज़िंदगियों में खुश हैं। इस पर शानी कहता है कि बस आप लोगों के दिल पर तो लालच का भूत ही सवार है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब आप लोगों को समझना चाहिए कि मैं सजीला के बगैर नहीं रह पाऊंगा। जिस पर आप देखेंगे कि कहते हैं दोनों कि तुम सजीला को कैसे भूल नहीं सकते हो, सजीला ने तुम्हें कभी याद किया ही नहीं, हकीकत ये है, और तुम अपने जहन में रखो कि वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आज इस नौकरी को, आज इस स्टैंडर्ड को छोड़ो तो देखो तुम्हारे पास क्या रह जाता है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहने वाला है। ये सब बातें सुनकर शानी कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिसकी वजह से सजीला को कोई दुख पहुँचता है। उसकी माँ को इस बात की तकलीफ़ होती है शानी की कि आखिर बार बार वो सजीला की खातिर हम सब घर वालों को क्यों जलील करता रहता है। इसलिए वो नादिया को कहती है कि जैसे भी हो जाए सजीला को इस घर में नहीं आना है, वरना इस घर के आकर वो जो माहौल ख़राब करेगी वो मैं ही जानती हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि मैं इस अब मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब असल हकीकत सामने आएगी। क्योंकि अब साफ साफ शांजे की माँ जो है वो कह के जा रही है और कहती है कि अपनी बेटी से कहिए कि अब अपने बेटे से कहिए कि जल्दी से शादी कर ले सजीला के साथ ही, ताकि मेरी बेटी की जान छूट सके। और वो उसकी माँ शाने की समझ रही होती है कि शायद वो अपने रिश्ते के लिए आई है, अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आई है, ताकि शांजे का हाथ शाने के हाथ में दिया जाए। लेकिन वो बहुत
बहुत बड़ी गलतफहमी में होती है, वो क्योंकि उसको यकीन दिला रही होती है कि आप फिक्र मत करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, शानी एक दिन ज़रूर इस बात के लिए मान जाएगा। लेकिन वो ये नहीं समझ रही होती कि वो इस बात के लिए आई होती है कि ये रिश्ता ख़त्म समझिए, यानी कि मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं है कि शानजे इस घर में आए। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोगों को ये रिश्ता ख़त्म करना होगा और जल्दी से सजीला को इस घर में ले आइए ताकि मेरी बेटी की जान छूट सके। जिस पर उसकी माँ काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये क्या कह रही है, इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आती। इसके बाद अब देखेंगे कि शानी की माँ को पता ही नहीं है कि जो अंगूठी थी वो उसने ढूंढ के सजीला को पहना दी है, क्योंकि शानी की माँ का दिल ही नहीं था कि वो अंगूठी अब सजीला को दोबारा पहनाई जाए। किसी हाल में भी वो सजीला को इस घर में नहीं आने देना चाहती, लेकिन अभी उसको पता ही नहीं, ये नहीं जानती कि उसका बेटा वो अंगूठी ले के जाके उसने सजीला को वापस कर दी है, जिसकी वजह से सजीला भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। सजीला कहती है कि अब तुम अपनी माँ को कब बताओगे कि तुमने ये अंगूठी मुझे पहना दी है। शानी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैं बहुत जल्द ही जाकर बता दूंगा, बल्कि आज ही जाते साथ ही बता दूंगा कि मैंने ये काम कर दिया है। शानी को इस चीज़ का एहसास है कि उसने जो किया है अपनी माँ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किया, क्योंकि उसकी माँ का बिल्कुल भी दिल नहीं है कि सजीला इस घर में आए, और हकीकत भी कुछ इस तरह से ही है। इस तरह की ज़िद्दी और मगरूर लड़की को कैसे भी कोई पसंद कर सकता है। दूसरी तरफ शानजे का रो रो कर बुरा हाल है, उससे उसकी माँ की ये हालत नहीं देखी जा रही। वो बार बार आती है और कहती है कि तुम क्यों नहीं इस जंगल से बाहर निकल आती, क्यों तुम अपने आप को आज़ाद नहीं कर देती हो, क्यों तुम उस इंसान के पीछे भाग रही हो जो तुम्हें देखता तक नहीं, सोचता तक नहीं। इस पर आप देखेंगे कि शानजे कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे अभी भी इस बात का पूरा पूरा यकीन है। लेकिन शानी तो अपनी ही तैयारियों में मगन है। आप देखेंगे कि अब शानी की माँ जो है वो कोई खेल रचाएगी और कहेगी शानी से कि नहीं, अब जो मैं कहूँगी तुम्हें वही करना है, जो मैं कहूँ कहने वाली हूँ, यानी कि शानजे के साथ ही तुम्हारी शादी होगी और सजीला को अपने दिल से निकाल दो। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फड्डा पड़ने वाला है, क्योंकि अब शानी की और उसकी माँ की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने वाली है। दूसरी तरफ नादिया भी आएगी और नादिया भी शानी से यही कहेगी और कहेगी कि तुम नहीं जानते हो कि उसकी वजह से हमारे हालात कैसे बदले, और उसने ही हम सबको इस काबिल किया है कि हम अपनी ज़िंदगियों में खुश हैं। इस पर शानी कहता है कि बस आप लोगों के दिल पर तो लालच का भूत ही सवार है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब आप लोगों को समझना चाहिए कि मैं सजीला के बगैर नहीं रह पाऊंगा। जिस पर आप देखेंगे कि कहते हैं दोनों कि तुम सजीला को कैसे भूल नहीं सकते हो, सजीला ने तुम्हें कभी याद किया ही नहीं, हकीकत ये है, और तुम अपने जहन में रखो कि वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आज इस नौकरी को, आज इस स्टैंडर्ड को छोड़ो तो देखो तुम्हारे पास क्या रह जाता है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहने वाला है। ये सब बातें सुनकर शानी कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिसकी वजह से सजीला को कोई दुख पहुँचता है। उसकी माँ को इस बात की तकलीफ़ होती है शानी की कि आखिर बार बार वो सजीला की खातिर हम सब घर वालों को क्यों जलील करता रहता है। इसलिए वो नादिया को कहती है कि जैसे भी हो जाए सजीला को इस घर में नहीं आना है, वरना इस घर के आकर वो जो माहौल ख़राब करेगी वो मैं ही जानती हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि मैं इससे बच जाऊँ।